Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Cricbuzz's YouTube channel and press that bell icon now. 15 over khele sirf Bangladesh aur zyada extra chance lene mein bhi unhe uska bhi fayda hua. 73 run hi banaye sirf unhone. Aaiye dekhe kya kiya to kuch nahi, par phir bhi jo kiya, jo kaam bigada unhone. यहाँ पर कुछ भी उनको कहीं से भी कुछ नहीं मिला. 19-17-16 यहाँ पे मोहम्मद उल्लाह कप्तान जो है, दूसरी तरफ एडम जैम्पा को मिले 5 विकेट, जॉश हेजलवुड ने लिए 2, मिचेल स्टार्क ने लिए 2, मतलब कुछ भी नहीं, कोई स्पार्क भी नहीं आज वीरू बांग्लादेश से. और 2 परफॉर्मेंसेज ऐसे, एक अब 80 रन बनाए, एक 70 रन बनाए, मतलब देख के अगर आप समर्थक भी हो बांग्लादेश के, अगर आप फैन भी हो तो सर झुक जाए आपका. नहीं बिल्कुल, और ऐसी परफॉर्मेंस है तो बहुत ज्यादा कहते ना, वो बेइज्जती वाली काम कर दिया कि कोई फैन होगा ना बांग्लादेश को, चुपचाप कह रहे उतारेगा बांग्लादेश की टी शर्ट और दूसरी टी शर्ट पहन के चुपचाप निकल जाएगा कि नहीं नहीं मैं तो बांग्लादेश का फैन नहीं हूँ, वो किसी और टीम का नाम लेगा क्योंकि ऐसी परफॉर्मेंस की है. अगर नॉर्मल क्रिकेट भी खेलते, सोच के भाई ऑस्ट्रेलिया है, हम 20 ओवर खेले 120-130 रन बन जाएंगे, बहुत है. क्योंकि ये तो पता नहीं कौन सी क्रिकेट खेलने गए कि मुझे लग रहा 10 में 120 बनाने गए क्या. आराम से खेलने की जरूरत थी और 120-130 बनते तो फाइट हो सकती थी, मैं मानता हूँ कि भाई चलो कुछ तो बॉलरों के लिए स्कोर होता, लड़ा जा सकता था. बट इन्होंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं बांग्लादेश ने. एक्चुअली जब बांग्लादेश नई आई थी ना तो वनडे क्रिकेट में ऐसे खेलती थी, तो वो शायद पुरानी यादें ताजा करा दी बांग्लादेश ने. बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया ने भी एक जो डिस्ट्रक्शन वाली उनकी जो डिस्ट्रक्टिव गेंदबाजी होती है आज उन्होंने भी दिखाई उनके गेंदबाजों ने. तो वही सबकी दिवाली थी आज, तो सबको मिठाई मिली, सबको एक लिफाफा मिला है बांग्लादेश के बल्लेबाजों से, ये लो आपके लिए हैप्पी दिवाली. पैट कमिंस कह रहे होंगे मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, मुझे भी दे देते कुछ, ऐसी क्या बात है. कोई बात नहीं, वो खाली हाथ गए, पर बाकी उनके यार दोस्त खाली हाथ नहीं गए. 5 विकेट तो जैम्पा ने निकाली, 2-2 विकेट मिली मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड को, उन्होंने ऊपर से आज गेंद डाली. ग्लेन मैक्सवेल भी आए पावर प्ले में, उन्होंने भी आके एक विकेट वहां पे ले ली. जैक आपने कहा था कि स्पिनर आएंगे, एडम जैम्पा जब आया वो स्लिप पे जब आउट हुए ना, मुझे याद आया आपने बोला था प्री शो में कि जब जैम्पा आएंगे और अगर तेज गेंदबाजों ने दबाव डाला हो तो आप स्लिप भी देखेंगे, वहां पे स्लिप भी दिखी, स्लिप को कैच भी गई है. बिल्कुल, और देखिए ये जो बॉलिंग कार्ड अगर आप देख रहे थे ना, तो ये T20 क्रिकेट में अक्सर आपको देखने नहीं मिलता है, तो बहुत अच्छा एक सबका प्रदर्शन रहा है. पैट कमिंस बस थोड़े से नाराज होंगे ना कि 3 ओवर किए और फिर भी उन्हें विकेट नहीं मिला है, तो बस उसके अलावा तो हर एक का विकेट का खाना पूरा भरा हुआ है अच्छे से. और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा मौका है ऑस्ट्रेलिया के पास, क्योंकि नेट रन रेट अपना सुधारने का. नेट रन रेट का आंकड़ा बताऊं आपको मैं, क्या है, अगर 8.1 ओवर्स, हाँ 8.1 ओवर से कम में इन्होंने ये रन बना लिए, तो इनका नेट रन रेट जो है वो साउथ अफ्रीका के ऊपर जाके बैठ जाएगा. 8 ओवर में तो बना लेंगे जैक, क्योंकि वो प्रेशर भी डालना जरूरी है ना. अभी देखिए ये मैच जब शुरू हुआ उससे पहले वो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया टीम पे था, लेकिन जब अभी मैच आधा हुआ है तो जरूर उनके पास मौका है कि ये इसका फायदा आपको होगा. हमने देखा है कि जब जैसे भारतीय टीम भी न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रही थी ना, पहले बल्लेबाजी कर रही थी, कहीं ना कहीं वो नेट रन रेट सोच के ही बल्लेबाजी कर रहे थे, मुझे ऐसे लगा कि अगर आप जीत भी लेते हो तो कहीं ना कहीं आएगा वो प्ले में. तो साउथ अफ्रीका में अगर अभी आप एक्स्ट्रा थोड़ा एक एडिट कहते हैं ना, एक्सटर्नल फैक्टर को भी थोड़ा काम करने दो, क्योंकि साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री तो यही बताती है कि प्रेशर उनके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, तो ऑस्ट्रेलिया के पास एक मौका है अच्छा कि नेट रन रेट अपना साउथ अफ्रीका के आगे लेके जाके उन पे थोड़ा प्रेशर बनाए. या और करेंगे वीरू, क्योंकि पता है इनको पता है आंकड़े, इनको पता है सब कुछ, पूरी मैच अवेयरनेस रहती है, सिचुएशन रहती है, इतने एनालिस्ट कंप्यूटर डेटा सब बाहर बैठा रहता है. डेफिनेटली जाएंगे, 8 ओवर में खत्म करना चाहेंगे मैच. नहीं बिल्कुल, और क्यों नहीं कोशिश करना चाहेंगे. पहले तो कोशिश ये करेंगे अपने सारे मैच जीते तो ऑस्ट्रेलिया शायद वैसे ही क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि नेट रन रेट बराबर का ही आ जाएगा, क्योंकि अगला मैच भी खेलेंगे उसमें भी नेट रन रेट का पता चलता है. बट ये वाले मैच में अपॉर्चुनिटी है ऑस्ट्रेलिया के पास कि अगर वो बेहतर खेले, मतलब 8 ओवर 8 से कम में बनाए, तो वो साउथ अफ्रीका के भी ऊपर जा सकते हैं. क्योंकि अगले मैच में क्या होगा ये ऑस्ट्रेलिया को भी नहीं मालूम. अगर उधर उनके धुआंधार वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज चल गए तो नेट रन रेट वहां मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा. लेकिन आज तो अब इनके पास मौका है हाथ में कि 8 ओवरों में अलाउड तो नहीं हो सकती ऑस्ट्रेलिया की पीछे भागे बॉलरों के चेज करने के लिए कि मारने के चक्कर में अलाउड हो जाए, वो तो नहीं हो सकती. तो बेहतर है कि कोशिश करे कि 8 से कम में चेज कर ले ताकि प्रेशर साउथ अफ्रीका के ऊपर रहे.